हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2C का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिवाइड किया था ना, सेम वहीं पर यहाँ पर वही करना है। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो, पी एक्स की वैल्यू इतना दी गई है, जी एक्स की वैल्यू इतना दी गई है, यानी कि इसको हमको क्या करना है, इससे डिवाइड देना है। तो जब डिवाइड दे लोगे ना, तो उसके बाद हमको डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई भी करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रूल होता है ना, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, तो उस वाले रूल से हमको इसको वेरीफाई भी करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा, या किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। तो आइए स्टार्ट करें और इसे सॉल्व करना सीखें। तो देखो, ये हमने पहले वैल्यूज़ को लिख लिया। अब सिंपल आप अपना जो ट्री वाला मेथड होता है ना, उस वाले मेथड से इसको डिवाइड देंगे अपन। तो यहाँ पर आप ट्री बना लो, एक्स प्लस टू से डिवाइड देना है, तो एक्स प्लस टू को बाहर लिख लो। ऊपर में हम लोग कोशेंट को लिखते चले जाएंगे, तो ऊपर में मैं डब्बा बना लेता हूँ, इस तरीके से लाइन बना लेता हूँ। और ये जो हमारा डिविडेंट है, इसको नीचे लिख लेते हैं, यानी कि अंदर में ये हो जाएगा 2x4 माइनस में 6x³ प्लस में 2x² माइनस में x और ये प्लस में 2। इस तरीके से पूरा उतार लो। अब रूल क्या है डिवाइड देने का, आपने क्लास 8 में भी सीख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पहला वाला वेरिएबल देखो, यहाँ पर पहला वेरिएबल देखो, ठीक है, यानी पहला टर्म देखो आप। तो ये आपके पास x है, यहाँ पर 2x का 4 है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे जिसमें हम लोग x का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x का 4 आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ताकि 2 और x का मल्टीप्लाई हो सके, तो हमारा 2x आ जाए। अब लेकिन हमको तो पावर में 4 लाना है, और यहाँ पर केवल पावर में 1 है, एक्स है यानी सिंगल है, तो एक पावर में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पावर में 3 लिख देता हूँ। एक्स के पावर में 3 और एक्स के पावर में 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स के पावर में 4 भी आ जाएगा, और 2 का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइड देना रहता है, यानी कि आपको पहला वाला केवल टर्म देखना है कि उसको हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, यानी उसका हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि इतना आ सके, ठीक। तो अब रूल क्या है कि जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ये रूल है हमारा। तो ये देखो, 2 2 जा हमारा ये 4 हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तो पहले प्लस की साइन लगा लो। 2 2 जा 4 हो गया, और ये एक्स का जो क्यूब है ये उतर जाएगा एज इट इज़। अब इसको सिंपली आप माइनस कर दो, जैसे हम लोग बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं ना, माइनस करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो ये हमारा प्लस वाला जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको पता हो, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये माइनस में क्यों कन्वर्ट होता है। देखो, कभी भी जब हम लोग माइनस करते हैं ना किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को, तो जो हमारा माइनस की साइन की वजह से जितने भी अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होते हैं वो क्या हो जाता है, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं थोड़ा सा क्लियर इसको कर ही देता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे 4 में से माइनस करना रहेगा एक्स माइनस वाई को, तब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट जब अपन ओपन करते हैं तो ये जो एक्स रहता है मेरा प्लस वाला, तो माइनस और प्लस माइनस एक्स हो जाता है, और ये जो वाई रहता है मेरा माइनस वाला, तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाता है, यानी साइन क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। बस उसी वजह से यहाँ पर भी हम लोग साइन चेंज करते थे, ये जो प्लस वाला ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो देखो, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया, और कैंसिल करने के लिए तो हमने इक्वल किया था, उसके बाद यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 हमारा 10x³ आ जाएगा। लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन उतर जाएगी। अब उसके बाद हमको क्या लाना है, इस बार 10x³ लाना है और माइनस में लाना है इसका मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग माइनस वाले नंबर से करेंगे तभी तो माइनस में आंसर आएगा ना, क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा। उसके बाद मैं 10 भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि 10 और एक्स का मल्टीप्लाई हो सके, तो 10x आ जाए, ठीक है, और माइनस की साइन भी आ जाए मेरा, ताकि ये देखो माइनस मिलाना है ना, तभी मेरा माइनस और प्लस कट हो पाएगा। इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर माइनस की साइन लगा लो पहले तो, ठीक। अब देखो, यहाँ पर एक एक्स है और एक्स का क्यूब लाना है, तो मैं यहाँ पर एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, स्क्वायर और एक्स मिल करके एक्स का क्यूब बना देंगे। तो हमारा रूल क्या है कि अच्छा, ये हमने क्या किया, इसको ऐड करके यहाँ पर उतारा है ना, उसी तरीके से जो अगला टर्म है इसको भी एक बार उतार दो, यानी एक एक करके टर्म उतारते जाते हैं, तो ये 2x² भी उतर जाएगा। अब रूल क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा, तो प्लस और माइनस, पहले तो माइनस की साइन लग जाएगा, 10 2 जो हमारा 20 हो गया, और ये एक्स का स्क्वायर उतर गया इस तरीके से। फिर से इसको सॉल्व कर दो, तो इधर माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो माइनस और ये प्लस आपस में होगा कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 और 2 हो जाएगा हमारा 22 एक्स का स्क्वायर इस तरीके से। अब ये जो अगला टर्म है माइनस एक्स, इसको एज इट इज़ उतार दो, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 22 आ जाए, और ये प्लस में आ रहा है, पहले तो मैं प्लस की साइन लगा दूंगा। तो हम जानते हैं कि 22 में x का मल्टीप्लाई होगा तभी 22x आएगा, तो यहाँ पर हम 22x लिख देते हैं पहले तो। लेकिन लाना क्या है हमको, यहाँ पर x का स्क्वायर लाना है, तो एक x मेरे को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तब ना ये x और ये x मिल करके x का स्क्वायर बना लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा, तो 22 2 जा कितना होता है 44 होता है, तो यहाँ पर और दोनों प्लस में है, तो प्लस 44x आ जाएगा हमारा आंसर। अब दोनों को आपस में सॉल्व कर दो,
तो ये भी प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ये तो आपस में कैंसिल, यहाँ माइनस और माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 44 है और ये 1x है, सिंगल x दिख रहा है इसमें, मतलब 1x है, तो 44 और 1 45x आ गया हमारा आंसर, और चूंकि बड़ा रोल नंबर माइनस में है तो -45x हो जाएगा। और ये जो लास्ट में जो +2 है ना, अब इसको उतार लो और एक बार बस आपको और डिवाइड देना है। अब क्या करना है, हमको क्या लाना है, -45x लाना है, तो x में पहले तो मैं -45 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा -45x आ जाएगा, सिंपल है, इसमें हम लोग -45 के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45x आ गया। अब इसमें आपको कुछ भी एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक्स लिख दोगे तो वो तो फिर एक्स का स्क्वायर ना बन जाएगा, फिर हमको तो सिंगल एक्स लाना है, तो इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आंसर आ गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई 2 से भी करना पड़ेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 45 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर 90 लिख लो, इसको आप आपस में सॉल्व कर दो, ये माइनस वाला प्लस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया, तो ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल, ये प्लस और ये प्लस मिल करके 92 बना दिया। इसका मतलब ये जो हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा क्वोशेंट है, तो आप यहीं पर इक्वल करके लिख भी दो, यही हमारा क्या निकल गया, क्वोशेंट निकल गया, QUOTIENT क्वोशेंट, की स्पेलिंग तो मुझे रटनी पड़ी थी बचपन में, और ये हमारा जो है रिमाइंडर है, तो इस तरीके से हमको दोनों को शो कर देना है, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना कि अब अपने को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, क्वेश्चन में साफ से बोला था वेरीफाई, बोला स्टार्टिंग में वर्ड जो है ना वेरीफाई लिखा हुआ है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या जानते हैं कि हमारा रूल होता है, क्या रूल होता है, जब कभी भी हम लोग डिवाइडेंड जो होता है ना हमारा ये बीच वाला, इसको निकालने के लिए हम लोग डिवाइडेंड इक्वल टू हमारा डिवीजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई होता है, तो डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर हो जाता है TNT, और उसके बाद प्लस में रिमाइंडर, ये हमारा रूल है, इसको आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे, क्लास 7 के बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि जो डिविडेंड होता है वो डिवीजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, और रिमाइंडर को अगर अपन ऐड करते हैं, यानी इसका इसका मल्टीप्लाई होगा और रिमाइंडर को अगर अपन ऐड कर देंगे तो जो आंसर निकलेगा वो डिविडेंड के बराबर निकलेगा। तो बस आपको इसी को सॉल्व करना है, यहाँ पर देखना है डिविडेंड के बराबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो डिवीजर हमारा कितना था, x+2 था, x+2 लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। कोशेंट हमने कितना निकाला है, तो ये हमारा कोशेंट निकला हुआ है 2x का स्क्वायर सॉरी क्यूब माइनस में 10x का स्क्वायर प्लस में 22x और माइनस में 45 और प्लस में रिमाइंडर जो है 92, उसको एज इट इज इस तरीके से उतार देना है। अब जल्दी से चलो सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम जानते हैं ये x से पहले इन सबका मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से भी सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का क्यूब था तो ये 4 बन जाएगा, उसके बाद माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो, एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर, इसे मल्टीप्लाई होकर एक्स का क्यूब बन जाएगा, तो -10x का क्यूब हो गया, प्लस की साइन है, प्लस की साइन उतार लो, 22 का 22 उतर जाएगा, और एक्स मिल करके एक्स का स्क्वायर बना लेंगे, उसके बाद फिर 45 और एक्स मिल करके -45x हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ भी इन सभी का मल्टीप्लाई होगा, तो 22 जो हमारा 4 हो गया, ये ध्यान रखना कि वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पर मेरा 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 जो 4 आ जाएगा, और एक्स का क्यूब, ठीक है, उसके बाद 2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 10 जो 20, माइनस और प्लस -20 हो गया, और ये एक्स का स्क्वायर उतर जाएगा, फिर 2 का 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो 44 और एक्स आ जाएगा, ये वाला एक्स, और फिर प्लस की साइन है दोनों में, तो प्लस की साइन यहाँ पर लग जाएगी, फिर 2 का 45 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 2 जा 90, माइनस और प्लस -90, ठीक है, और बाहर में ये जो प्लस का 92 है ना, इसको उतार दो प्लस का 92 इस तरीके से। ठीक, सभी को सॉल्व कर लो, x के पावर में 4 यहाँ पर है और कहीं पर है क्या, नहीं कहीं पर नहीं है, तो बस ये 2x के पावर में 4 उतर गया, यहाँ पर माइनस x के पावर में 10x के पावर में 3 है और ये रहा प्लस 4x के पावर में 3, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस और प्लस हमारा आपस में माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6x के पावर में 3 आ गया, और ये बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन यहाँ पर उतर जाएगी, उसके बाद x का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो ये प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 22 में से 20 माइनस किए तो 2x का स्क्वायर आ गया, बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लग जाएगी। अब यहाँ x वाला देखो तो ये x वाला है और एक x वाला ये है, ये भी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 45 में से 44 माइनस हुआ तो 1x बच जाएगा, जिसको हम लोग सिंगल x भी लिख सकते हैं, 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, और ये जो हमारा 45 बड़ा नंबर इसमें माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर बस नंबर बचा तो माइनस और प्लस माइनस, 92 में से 90 माइनस हुआ तो 2 आ गया, और बड़े नंबर में चूंकि प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगी। तो देखो ये हमारा डिविडेंड आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, यहाँ पर हमारा डिविडेंड कितना दिया था, 2x के पावर में 4, x माइनस 6x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2, और वही चीज़ तो हमारे यहाँ पर भी आया है, 2x के पावर में 4 माइनस 6x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2, तो इक्वल करके आप लिख दो डिविडेंड, और यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पर लास्ट इस तरीके से कि ये हमारा वेरीफाइड।
कंप्लीट हो गया आंसर, बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि हमको एकदम आराम से आपको समझाना था, मेन है समझना। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर नहीं रहेगा ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आगे चल करके दिक्कत होगा। इसलिए यहीं पर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, समझ करके सॉल्व करना सीख लो, क्योंकि रटने में मैथ नहीं बनने वाला। क्लास सिक्स तक आपने रट लिया, सिक्स सेवन तक, अब जो आगे के मैथ्स आपको मिलेंगे ना, वो इतने बड़े बड़े नहीं होंगे कि आपको रटने बनेगा ही नहीं। तो अब आप समझ करके उसको सॉल्व करना सीखो। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है ना, वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।